झांसी के थाना व कस्बा मोड़ के सर्राफा बाजार में उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब एक बुलेरो में सवार सिविल ड्रेस में मध्य प्रदेश पुलिस पहुंची, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस का एक दरोगा भी बैठा था। लेकिन तभी अचानक एक सर्राफा व्यापारी की दुकान पर सिविल ड्रेस में मध्य प्रदेश पुलिस ने छापा मार दिया और अचानक पकड़कर उन्हें अपनी बुलेरो कार में डाल करके ले जाने लगे। ये देख पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। जब तक लोग ये समझ पाते कि ये मध्य प्रदेश पुलिस है, तब तक सभी व्यापारी एकत्रित हो गए और मध्य प्रदेश पुलिस को घेर लिया, जिसके बाद संबंधित मोड़ पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस भी सकते में आ गई कि मध्य प्रदेश पुलिस कहां से आ गई। अगर आती तो संबंधित मेरे थाने को सूचना करके पहुंचती तो आनन फानन में मोट कोतवाली प्रभारी प्रभात सिंह मौके पर पहुंचे, जहां बातचीत के बाद सभी व्यापारी और मध्य प्रदेश पुलिस थाने पहुंची, जहां कोतवाली प्रभारी ने पूरे मामले की गहनता से जांच की। तब कहीं मामला स्पष्ट हुआ कि मध्य प्रदेश में हुई एक लूट के मामले में लूट के आभूषण व्यापारी के यहां बेचे गए हैं, जिसके बाद व्यापारी के यहां संबंधित थाने की पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने जाकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि उसके सीसीटीवी कैमरे में कोई भी आभूषण खरीदते नजर नहीं आए। साथ में उक्त चोर भी मौजूद था, उसकी निशानदेही पर उक्त दुकान पर छापा मारा था। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष हर्षित अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस का यह रुपए ऐठने का जरिया बन गया है। जब भी आते हैं सर्राफा व्यापारियों की दुकान पर छापा मारते हैं और लाखों रुपए रिश्वत के तौर पर लेकर फरार हो जाते हैं, जिसका एक मामला सामने आया है जहां ग्राम अमरा में बीते दिनों दतिया पुलिस ने एक व्यापारी को उठाया था, जिसमें पुलिस ने 5 लाख रुपए लेकर व्यापारी को मामले को रफा दफा करके छोड़ दिया। इस मामले में भी दतिया पुलिस ने 4 लाख रुपए की मांग की थी और मामला रफा दफा करने की बात कही थी, लेकिन व्यापारियों के एकत्रित होने से मध्य प्रदेश पुलिस के मंसूबों पर पानी फिर गया और मध्य प्रदेश पुलिस सीसीटीवी कैमरे का हवाला देते हुए छानबीन कर वापस बैरंग लौट गई। यहाँ पर क्या मामला हुआ है? आज कस्बा मोड़ के सर्राफा बाजार में मध्य प्रदेश के दतिया की एक पुलिस आई, जिसमें एक दरोगा और सिविल में दो लोग थे, जो हमारे व्यापारी श्री श्याम सोनी की दुकान पर आए और उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, जिसमें हमारे सभी व्यापारी साथियों ने उन्हें रोका और सभी व्यापारियों को एक कर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को एकत्रित किया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कोई लूट हुई थी, उस मामले में हम पूछताछ करने आए हैं, लेकिन उन्होंने मोट लोकल की पुलिस को साथ नहीं लिया था, इसलिए हम सभी व्यापारियों ने उनका विरोध किया और फिर उन्हें थाने ले गए, जिसमें मोट इंस्पेक्टर ने कहा, पूरा मामला समझा उन्होंने और कैमरे चेक करने के लिए कहा, जिसमें हम सभी लोगों ने कैमरे चेक करवाए उन्हें और पूरी उनकी तसल्ली के लिए सभी बातें बताई, लेकिन सारे उनके जो इल्जाम थे वो बेबुनियाद निकले और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फालतू में जो भी दतिया की पुलिस आती है, और ये कम से कम 3 से 4 बार हो चुका है कि व्यापारियों को परेशान किया गया और को टारगेट करते हैं क्या? जी, यहाँ सरकार समाज को टारगेट करते हैं और उनसे लाखों रुपए की राशि पूर्व में ली भी गई है। इसके पहले अमरा से 5 लाख रुपए लिए गए हैं, जिसमें वो भी किसी काम के नहीं थे। अभी भी कोई रुपए की मांग करनी जी बताया जा रहा है कि व्यापारियों 4 लाख रुपए की मांग की गई है कि हमें 4 लाख रुपए आप दे दीजिएगा और ये पूरा मैटर सॉर्ट आउट करवा देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई लेन देन था, ना ही कोई माल खरीदा गया था। कहाँ की पुलिस थी ये? दतिया की पुलिस थी, मध्य प्रदेश की।